श्यामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक कुआं था। जिस पर एक शराबी चुड़ैल रहती थी। वह अक्सर कुएं के सामने से आने जाने वाले लोगों से शराब मांगता था। ए लड़के, जल्दी से मुझे शराब दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अरे चुड़ैल जी, मैं थोड़ी ना शराब पीता हूँ, जो मेरे पास शराब होगा। अच्छा, तो तेरे पास शराब नहीं है? ऐसा कहकर चुड़ैल उसे कुएं के पानी में डुबाकर मार डालती है। अगले दिन गांव वालों को कुएं के सामने उस आदमी की लाश मिलती है। अरे रामू भाई, हम सभी को पता है कि इस कुएं में शराब मांगने वाली एक चुड़ैल रहती है, फिर भी यह कमबख्त लड़का कुएं के सामने आ गया। हाँ बिरजू भाई, इस चुड़ैल ने तो हमारी नाक पर दम करके रखा है। अगले दिन रवि नाम का लड़का अपने बीवी बच्चों के साथ उस गांव में घूमने आता है। वह लोग पूरा गांव में घूमता है और रात को सो जाता है। तभी उन लोगों को घर के बाहर किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों उठ जाता है। और सुनो, इतनी रात को कौन रो रहा है? हाँ जी, क्या हम बाहर चलकर देखें? अरे नहीं नहीं, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम इस गांव में नए हैं और बाहर कुछ खतरा हुआ तो हम क्या करेंगे? आज तुम जैसे तैसे करके सो जाओ, कल हम गांव वालों से पता करेंगे। अगले दिन रवि एक आदमी को रात की घटना बताते हैं। कल रात को जो रो रहा था वह कोई और नहीं, कुएं में रहने वाले चुड़ैल की थी। लेकिन वह रो क्यों रही थी? वह चुड़ैल एक शराबी चुड़ैल है, अगर उसे शराब नहीं मिलती तो वह ऐसे ही रोता है। अच्छा हुआ तुम रात को बाहर नहीं गए, वरना वह तुम्हें मार देता। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। रात को चुड़ैल फिर से रोने लगती है। तभी रवि का बेटा चिंटू उठ जाता है और उस कुएं की तरफ चला जाता है। रवि और उसकी पत्नी की भी नींद खुल जाती है। और जी सुनती हो, हमारा बेटा चिंटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है चिंटू उस कुएं वाली शराबी चुड़ैल के पास गई होगी। जल्दी चलो। बच्चे मुझे शराब दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अरे चुड़ैल, मैं तुम्हें शराब तो नहीं दे सकता, लेकिन हनुमान जी की मार जरूर खिला सकता हूँ। अच्छा, तो तेरे पास भी शराब नहीं है, तो मरो। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बच्चे को कुएं के अंदर ले जाता है। बच्चे के ऐसा कहते ही हनुमान जी वहां पर प्रकट होते हैं। हनुमान जी और चुड़ैल में लड़ाई होने लगते हैं। हनुमान जी उस चुड़ैल को मार गिराता है और उस बच्चे को लेकर कुएं से बाहर आ जाता है। और हनुमान जी वहां से गायब हो जाता है।